guys, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So guys, I am back with another haul video and I have few products from Meesho जो कि है मैंने इस बार मंगाए हैं होम डेकोर पीसेस. सो इस बार ना मेगा ब्लॉकबस्टर सेल में आपको मिल जाएंगे मीशो में बहुत अच्छा सेल और प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा चीप रेट में. तो मैंने भी वहाँ से शॉपिंग कर ली है. अभी ना दिवाली आने वाली है तो इसीलिए सोचा कि ना कुछ ऐसे डेकोरेशन के लिए और किचन स्टफ जो कि ना मैं अपने किचन के लिए कुछ लेना चाह रही थी तो सोचा कि अभी अच्छा सेल चल रही है तो परचेस करते हैं यहीं से. और अगर आपको इनकी लिंक्स चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स मेंशन होगी. आप मुझे बताना इन सारे प्रोडक्ट्स में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया है कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूंगी. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो. सो विदाउट एनी फर्दर आडियो लेट्स गो स्टार्ट विद दिस वीडियो. सो मीशो में ऐसे डेकोरेशन के आइटम्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे. तो मुझे बहुत टाइम से एक की चेन होल्डर चाहिए था तो वहाँ पे ये वाला जो की चेन के लिए ये होल्डर था ये बहुत सस्ते में मिल रहा था. इसमें आपको मिलेंगे 7 या 6 हुक जिससे कि आप इजीली अपने की चेन इसमें अटका सकते हो. और ये ना क्वाइट वुडन में है तो इसकी प्राइसिंग बहुत शॉकिंग है. मतलब मैंने ये परचेज कराया है जस्ट 60 या 70 रुपीज़ में एंड बहुत क्यूट है. ब्लैक कलर में आपको ये दिख रहा होगा बैक में. ये देखो वुडन में है और इस टाइप के पीसेज ना बहुत सही लगते हैं. यहाँ पर आप इसके अटकाने के लिए या फिर इसे हुक कर सकते हैं. तो ये ना वॉल में लग के बहुत प्यारा लग रहा था और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे बट मुझे ना बहुत प्यारा सा लग रहा था ये डांसिंग इसमें जो ये बन रखे हैं बहुत प्यारे लग रहे थे इसलिए मैंने इसे परचेस करा. सो ये है फर्स्ट प्रोडक्ट और इसके प्राइस के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट वर्थ है. सो या दिस इज द फर्स्ट वन. सो गाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड डेकोरेशन के लिए आजकल वो जो आर्टिफिशियल लीव्स चल रही हैं वो बहुत ट्रेंड कर रही थी तो सोचा मैंने कि मैं भी इसे परचेस करती हूँ. तो ये देखो ये इतनी क्यूट लग रही थी. मतलब मैंने इसे परचेस करा था जस्ट 70 रुपीज़. 70 में आपको ये 4 सेट मिल जाएंगे. 70 या 80 रुपीज़ में आपको ये 4 मिल जाएंगे 4 लेयर वाले. और देख सकते हैं ये ना आप इसे कहीं पे भी लगा सकते हो. लाइक अगर आपके यहाँ पे लैम्प है या फिर आप इसे डेकोरेशन के लिए कहीं पे भी बेड के ऊपर या फिर किसी भी चीज़ में कर्टन्स के ऊपर तो ये हर चीज़ में बहुत प्यारे लगते हैं. और ये ना इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, लेंथ भी अच्छी खासी है. मतलब ये आपको मिल जाएंगे कुछ इतने लंबे. तो देख सकते हैं ये है फर्स्ट और देख सकते हैं इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. और यहाँ पे देख सकते हैं इनकी लीव्स की लेंथ अच्छी खासी है. तो मुझे ये बहुत टाइम से चाहिए था तो सोचा कि इस बार ले लेते हैं और इसे अभी डेकोरेशन थोड़ा सा डेकोर करने में अभी टाइम लगेगा बट ये मुझे बहुत प्यारे लगे हैं और इस प्राइस के अकॉर्डिंग ये वर्थ है. तो ये तो एक ही है और मेरे पे अभी 3 लेयर और हैं इसकी. तो ये बहुत अच्छा खासा है पीस डेकोरेशन के लिए तो आप भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं. सो या दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट. ओके सो आर्टिफिशियल प्लांट्स की बात हो रही थी तो सोचा कि इस बार ना मैं कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी लूँ बट फ्लावर्स से ज़्यादा ना मुझे आजकल की ट्रीज बहुत प्यारे लगते हैं. तो मैं बात कर रही हूँ ये देख सकते हैं ये क्यूट सी ट्री है और इसमें ना आपको ये 16 लीव्स मिल जाएंगी. देख सकते हैं ये इस टाइप की लीव्स ये ना प्रॉपर ऐसे निकली हुई थी तो इसको प्रॉपर ऐसे अटैच करना होता है. यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे तो इसको मैंने प्रॉपर अटैच कर लिया है. ये ट्री बेस में है. इस टाइप के ना आर्टिफिशियल प्लांट्स बहुत प्यारे लगते हैं. आप इसे ड्राइंग रूम में या फिर आप कहीं पे भी इसे सजा सकते हैं. इसे किसी भी पॉट के ऊपर लगा के आप इसे बहुत डिफरेंटली सजा सकते हैं और ये बहुत प्यारा लगता है. और ये ना एक्चुअल में बहुत रियल लग रहा है. यू कैन सी देखो इसकी लीव्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ओवरऑल की प्राइसेस बहुत प्यारे थे. मतलब ये ना डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस में मिल जाएंगे बट मुझे ये 300 समथिंग में मिला था और मुझे बहुत प्यारा लगा है इस टाइप के जो लीव्स हैं या ट्री बोल सकते हैं या मिनी प्लांट्स. तो इसको ना आप अच्छे से पॉट में सजा के इसे ड्राइंग रूम में लगाना ये बहुत अच्छे लगने वाले हैं. सो या दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट. तो डेकोरेशन की बात चल रही थी तो सोचा कि किचन के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लेते हैं बिकॉज किचन के लिए ना आजकल मुझे ना चॉपिंग बहुत ज़्यादा परेशान होती है. तो उसके लिए मैंने ये परचेज कराया है ये चॉपिंग बॉक्स. लाइक इसे ये प्रॉपर चॉपर है. आप ना इसमें इसकी क्वालिटी देख सकते हैं. ये इसमें लिड मिलती है और ये जो देख सकते हैं ये ब्लेड और ये कंटेनर. तो बेसिकली इसमें आपको प्याज या फिर आपको कुछ भी चॉप करना है टमाटर प्याज कुछ भी तो आप इसको अटका के आपको बस इसे ऊपर से क्लोज करना है. सो ये ऐसे क्लोज हो जाएगा. फिर इसकी जो ये
यहाँ पे ये अटैचमेंट दे रखा है, इसको स्ट्रेच करना है और हमारा ये चॉपर देख सकते हैं। ऐसे ही आप ना अपनी चॉपिंग को बहुत इजी बना सकते हैं। अनियन काटने में बहुत प्रॉब्लम होती है, अनियन चॉपिंग के लिए मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, और उसका सॉल्यूशन ये है, मतलब आपकी आँखों में पानी बिल्कुल नहीं आने वाला अगर आप इसे यूज़ करोगे। इसके साथ साथ आप टमाटो या फिर आप कुछ और भी मतलब पीसेस करना चाहते हो तो, और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आपका जो मिनटों में काम हो जाते हैं वो सेकंड्स में होने लग जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चॉपर। तो आप डेफिनेटली इसे परचेस करना। या दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट। ओके, सो मैं बहुत टाइम से चॉपिंग बोर्ड का सोच रही थी, और चॉपिंग बोर्ड में मुझे मीशो में बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे थे, बट मुझे ये वुडन जो चॉपिंग बोर्ड है वो बहुत प्यारा लगा है। मैंने इसे ऑलमोस्ट यूज भी कर लिया है और ये बहुत प्यारा है। अकॉर्डिंग टू द प्राइस ये मुझे जस्ट 70 या 80 रुपीज में मिला है, और क्वालिटी देखो वुडन की, मतलब इस प्राइस रेंज में आप ना बहुत अच्छे से, मुझे ना अब ना मज़ा भी आता है, कुछ भी वेजिटेबल्स कुछ भी चीज़ चॉप करनी है आप बहुत इजीली से चॉप कर लेते हैं विदाउट एनी स्क्रैच, इसमें कोई स्क्रैच भी नहीं आता। और ओवरऑल इस प्राइस रेंज में अगर आपको ये चॉपिंग बोर्ड मिल रहा है तो डेफिनेटली आप इसे यूज़ करना। इसके साथ साथ ना आपको बहुत मज़ा आने वाला है चॉपिंग करना। मेरे को पहले बहुत परेशानी होती थी चॉपिंग करने में, बट इसके हेल्प से मैं बहुत ज़्यादा इजीली चॉपिंग कर लेती हूँ बिना कट पट के, मुझे कट्स लगते रहते थे बट अब इसके वजह से बहुत ज़्यादा काम इजी हो गया है। तो डेफिनेटली आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और या दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट, और प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ है। सो गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टफ और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने परचेस करा है किचन के लिए, तो ये है टी कप स्टैंड, जो कि ना कप्स का स्टैंड होता है वो मैंने परचेस करा है, और इसके वजह से मतलब मतलब किचन बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये है स्पाइस रैक जो आप बोल सकते हैं, इन दोनों को कॉम्बो में मैंने परचेस कराया है। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये स्टील में है दोनों ही, और इन दोनों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी आई है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट अगर मैं इस स्टैंड की बात करूँ तो आप इसमें 7-8 कप इजीली अटका सकते हो, और ये बहुत प्यारा लगता है, इसका ना लुक बहुत अच्छा लगता था किचन में। अगर आपने बहुत प्यारे प्यारे कप्स हैं तो आप इसमें अटका सकते हो, लगा सकते हो, और ये बहुत अच्छा लगता है इजीली आपके कैरी करने के लिए और किचन को थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट ये जो स्पाइस रैक है इसे मैं यूज़ भी करने लग गई थी, और इवन ये बहुत प्यारा है, स्पाइसेस आप ऊपर लगा सकते हैं, नीचे आपको कुछ और स्टफ़ रखना है आप वो भी रख सकते हैं, किचन में आपके प्लेट्स हैं वो भी आप इसमें ऊपर रख सकते हैं, और साथ साथ आपको कुछ भी स्टोरेज के लिए रखना है, तो ये आपके बहुत इजीली और काम का चीज़ है, और आपके ये बहुत प्यारा लगता है किचन में। इस टाइप के ना चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और अट्रैक्टिव लगती हैं, इसीलिए मैंने इस बार सोचा कि कुछ अलग सा ही ऑर्डर करते हैं, और किचन में इस टाइप के प्रोडक्ट्स होने भी चाहिए सो दैट कि चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज लगें और अच्छी भी लगें। प्राइस के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, अगर आपको इनको सिंगल या सोलो में लेना है तो सोलो भी मिल जाएगा, बट मेरे को कॉम्बो में इनकी प्राइसिंग बहुत सही लग रही थी, मतलब अगर ये कॉम्बो में दे तो 200 समथिंग के दे, बट अगर आपको सोलो सोलो लेना है मतलब सिंगल अगर आपको ये लेना है तो आपको 100 में कुछ में मिल जाएगा, और ये भी सेम रेंज में 100 समथिंग में आपको ये भी मिल जाएगा। तो बेटर है अगर आपको कॉम्बो में लेना है कॉम्बो में ले लीजिए, अगर आपको सिंगल कुछ सोलो में लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो या दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट। ओके, सो बात करूँ मैं डेकोरेशन की, तो मैंने बहुत चीज़ें ली हैं इस बार, तो बट जो मैंने सबसे महंगी चीज़ ली है वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको, वो है एक लैम्प जो कि ना स्टैंड लैम्प है, जो मैं बहुत टाइम से लेना चाहती थी बट मैंने लिया नहीं, तो मैं इनकी प्राइसिंग सब चीज़ें मेंशन कर दूंगी, बट मैं दिखाती हूँ फर्स्ट कैसा लग रहा है ये लैम्प, तो रुकिए। सो मैं बात कर रही हूँ इस लैम्प की, जो कि अभी तो प्रॉपर इसे मैंने मैनेज करके लगा रखा है, बट ये ना इस टाइप में है और ये इतना ब्यूटीफुल है कि मैं क्या ही बताऊँ। इसकी हाइट आप देख सकते हैं, मतलब मैं प्रॉपर इसको शॉर्ट करना पड़ा है। तो अगर इसकी ना बात करूँ स्टैंड और वुड की, तो ये वुडन में है बेसिकली, और आप ना इसमें डेकोरेशन के आइटम यहाँ पे लगा सकते हो, मतलब आपको ना अगर कुछ रखना है तो आप इनमें रख सकते हो, और इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी खासी है, साथ ही साथ आप अगर आप ये मेरी जितने हाइट का है लाइक ये 5, अगर मैं इसे प्रॉपर बात करूँ तो ये 5'4" में आपको मिल जाएगा, और इतनी हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एक लैम्प की। और ये देख सकते हैं इसे मैंने ना ऑलमोस्ट अटैच ही कर दिया था। इसके साथ क्या क्या आई थी मैं चीज़ें बताती हूँ आपको। ओके, सो इसका ये कैप आई थी, इसके साथ ये एक बल्ब आया था, बेसिकली ये ना एलईडी बल्ब है, और इसके साथ साथ ये अटैचमेंट आए थे।
तो मैंने इसको प्रॉपर अटैच करके लगा तो दिया था, और देख सकते हैं इसकी हाइट और लेंथ कितनी है। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो डेकोरेट के लिए भी, और ये बहुत प्यारा है, रात को ना ये बहुत सुंदर लगता है। और इस प्राइस रेंज में डेफिनेटली इट्स अ थम्स अप प्रोडक्ट, और मेरे तो बहुत टाइम से ही विश लिस्ट में था, बट फाइनली मैंने इसे परचेज कर दिया। और इसका स्टैंड देखो यार, ये प्रॉपर एक स्टूल लग रहा है। अगर मैं इसको ऐसे भी लगा दूँ ना, तो ये ऐसे भी बहुत प्यारा लग रहा है। और ये ना इसका स्टूल, इसको भी हम किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर हम इसकी बात करें तो। सो मैं ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू गाइस लाइक इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी माई इंस्टाग्राम। सो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय।